हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम गाइस, जिगिशा कर रही है अपना होमवर्क, हिंदी का होमवर्क कर रही है। और मैं अभी शाम को खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। खाने में बनेगा कोफ्ता, रोटी, ये रही लौकी, कई दिन से रखी हुई थी, अब उतनी फ्रेश लग नहीं रही है, तो सोच रहे कोफ्ता बनना ज़्यादा सही है। तो कोफ्ता वगैरह बहुत दिन बाद ही खाते हैं, मतलब ऑयली हो जाता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा दिन पे बनता है। और मैं सोच रही थी जब तक ये पड़ रही है तब तक मैं ये लौकी ग्रेट करके रख लेती हूँ। और फिर अभी ये शाम का बज रहा है 7, पानी आने वाला होगा और मुझे लगाना है वॉशिंग मशीन, कपड़े भी वॉश करने हैं, तो साथ में मैं बनाऊँगी कोफ्ता। और शाम को ही हो पाते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने का काम मेरा, क्योंकि मॉर्निंग में भी 7 बजे पानी आता है और अभी भी 7 बजे आता है। तो सुबह के टाइम में क्या होता है ना, जिगी को स्कूल जाना होता है उसी टाइम में, और फिर वो एक साथ बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, फिर हो नहीं पाता है। तो ओके, तो अभी जिगी हिंदी का होमवर्क कर रही है, इसके बाद उसको मैथ्स का करना है। और होमवर्क क्या करना है, होमवर्क नहीं मिलता है आजकल इनके यहाँ, प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी आपका जो भी क्लास वर्क होता है ना, उसका रिवीजन घर में कराना होता है। तो मतलब डेली का डेली आप स्कूल का जो भी होमवर्क है, जो भी क्लास वर्क है, उसका रिवीजन घर में कर लो, अच्छा रहता है, अननेसेसरी बर्डन नहीं डाल रहे हैं आजकल स्कूल वाले। तो चलो मैं फटाफट से ग्रेट कर लेती हूँ लौकी और बनाती हूँ कोफ्ता, बाकी रोटी और चावल जो भी बनेगा ना वो मुनियादी बनाएंगी, मैं सिर्फ कोफ्ता बनाऊँगी। तो कहते हैं ग्रेट करना, ये क्या है, लौकी नहीं है, बॉटल गार्ड। और ये क्या है, ग्रेटर। और ये हम इसको ग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बॉटल गार्ड को ग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब घिस रहे हैं। ओके, ये इधर साइड बहुत पतला हो गया, अंदर करते हैं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, नहीं। ओके, अक्षर जोड़ो अक्षर तोड़ो पढ़ रही है जिगी, और हिंदी की रीडिंग आ गई है जिगीशा को, वो मिला के पढ़ लेती है मात्राएं सारी ना। इंग्लिश में भी नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़ लेती है मिला के, लाइक आई साउंड, ए साउंड और ओ साउंड, ये जो साउंड कुछ साउंड्स हैं ना वो पढ़ लेती है, बट ज़्यादा बड़े जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाती है, तोड़ के पढ़ती है। तो अभी बड़ी हो रही है, अभी सब चीज़ें सीख रही है। ये थोड़ा सा ऊंचा पड़ जा रहा है ना, मैं थोड़ा इसको नीचे रखती करती, ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो जाओगे प्लीज। हाँ बस, आपको दिखना है, चल आप भी दिखोगे, मैं ये ठीक है। तो ये मैं ग्रेट कर रही हूँ भैया लौकी ना, मैं छील के वॉश करके दो टुकड़ों में काट के लाई थी, बस इसको ग्रेट करके आगे का काम करना है। तो भैया ये रही लौकी जो कि ग्रेट हो गई है, अब आगे का काम होगा किचन में, यहाँ हो जाएगी गंदगी नहीं तो, ठीक। ये देखो ना, ग्रेट हो गई है, आप जल्दी से करो फिर मैं जाऊँ आगे का काम करने। गाइस बाकी का काम किचन में करूँगी यहाँ पे, वरना फिर गंदगी हो जाएगी। जिग्गी का हिंदी का होमवर्क हो गया, 2 पेज कर दिया जिग्गी ने, अक्षर तोड़ो और अक्षर मतलब जोड़ो और ये तोड़ो, राइटिंग अच्छी साफ सुथरा लिखती है, देखो जिग्गी ना, ठीक है, कुछ पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। कौन सी मात्रा में पढ़ रहे हैं, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में। तो सो वा सोमवार। अच्छा ये वाला पढ़ो, बोतल। चोर। चलो बहुत दिन में मम्मा, हाँ मैं 80 to 51 है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 80 से, 80 ठीक, 8 0 80 0, और 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले आता है, what comes before 8, 7, very nice, अब यहाँ पे 7, yes, 7, 9, very good यार, 7, 8, 78, ये थी, मम्मा, 3 की डॉगी जैसी पूंछ निकल गई, नहीं यार 3 की डॉगी जैसी पूंछ निकाल रही है, education है, नौटंकी करा लो, sorry नौटंकी,
चलो और अपने दिमाग से लिखा है ना, आता है आता है खुशी आता है ओए जा कहां रही हो, कहीं नहीं हटो गाइस। इस तरीके से पाइप से पानी भरना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ये आई थिंक ख़राब हो गया है, ये नल में ऐसे अटैच नहीं हो रहा है इसमें, तो हमें ना पाइप से भरना पड़ रहा है। वैसे ये दिक्कत कर रहा है, फुली ऑटोमेटिक वाला हमारा पाइप तो इसको भी बुलाऊंगी। अब ऐसे नहीं होता। चलो एक घंटे की फुर्सत हो गई अभी, इसमें बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीच बीच में पानी खुद ही भरना पड़ रहा है। छोड़ो यार हटो हटो हटो, अब नहीं खोलना, हटो हटो, पानी बुड़बुड़ हो रहा है, ये कुछ हाथ से बुड़बुड़ चमका पानी बुड़बुड़। अभी बनाएंगे खाना, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी कोफ्ता बनाने के लिए। मैं जो बता रही हूँ वो मैं अक्सर बना लिया करती हूँ ना, जो डेली में हम यूज़ करते हैं कुकिंग का मेथड, जैसे बहुत ही फटाफट से चीज़ें बनानी होती हैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले ग्रेट की हुई लौकी को मैंने स्क्वीज करके सारा पानी निकाल दिया है, और इस तरीके से दबा के सारा पानी निकाल देंगे। और ये जो पानी बचेगा इसको हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसको मैंने अलग एक ग्लास में रख दिया है, बाद में बताऊँगी क्या यूज़ करना है। तो जो ग्रेट की हुई लौकी है उसमें हम मिला रहे हैं बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग डाली है। इसके साथ ही यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और जो रह गया है नमक। इतना सब कुछ डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देख लेंगे कि अच्छे से ये बाइंड होकर के कोफ्ते बन जाएंगे या नहीं। तो वैसे तो ये बन जाएंगे बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम बेसन लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसके फिर बनाएंगे कोफ्ते। उसके बाद यहाँ पे मसाला रेडी करने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्ची, उसके साथ ही थोड़े से गरम मसाले, उसमें आज बड़ी वाली इलायची नहीं है तो मैंने छोटी इलायची के दाने ले लिए हैं, थोड़ी काली मिर्च और 3-4 लौंग ले ली है। इन सबको ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अब हम बनाएंगे यहाँ पे कोफ्ते। तो सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे कढ़ाई में डाल के, और आप गोल या फिर सिलेंड्रिकल शेप के कैसे भी कोफ्ते बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, कभी गोल कभी सिलेंड्रिकल, तो ऐसे करके मैं बना रही हूँ कोफ्ते। इनको हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है वरना ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो उसकी फ्लेम को आप लो टू मीडियम रख सकते हैं। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होने तक इसको पकाएंगे। और ये कोफ्ते का कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैं बाकी के बचे हुए कोफ्ते भी बना लेती हूँ, और ये सारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। और जब कोफ्ते बनाते हैं ना तो फिर 4-5 कोफ्ते तो वैसे ही निकल जाते हैं लोगों को खाने टेस्ट कराने में। और यहाँ पे जिग्गी ने भी खाए हैं, मैंने भी खाए हैं, और नीचे बना रही हूँ तो अभी बाकी लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया है तो बच गए हैं थोड़े से। तो मैं जो ऑयल बचा था कढ़ाई में उसमें से थोड़ा ऑयल और कम कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑयल मैं नहीं बना रही हूँ। उसके साथ ही गर्म था ऑयल तो उसमें डाल दिया है तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, हींग और जो हमने पेस्ट बनाया था उसको। अब इस जार को हम अच्छे से खाली कर देंगे कढ़ाई में, और जब जार में हमारे मसाला बचा रह जाता है उसमें ये लौकी का पानी जो हमने अलग रखा था ना इसको डाल के मिक्स करके इसको भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा जो लौकी का पानी था वो भी वेस्ट नहीं हुआ और वो भी इस्तेमाल कर लिया। आज मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो जब पेस्ट बनाते हैं तो उसी समय लहसुन और अदरक डाल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, सब्जी मसाला, और साथ ही डाला है गर्म मसाला। उसके साथ यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। अब ये मसाले को अच्छे से पक जाने के बाद हमने इसमें डाला है 1 बड़ा गिलास पानी का। आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको कोफ्ते की थिकनेस चाहिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि जब हम कोफ्ते डालते हैं तो फिर ये पानी सोख कर लेता है। 5 से 6 मिनट अच्छे से ग्रेवी को पकने देंगे, उसके बाद कोफ्ते डाल के गैस को बंद कर देंगे। कोफ्ते डालने के बाद ज़्यादा बॉयल नहीं करना है नहीं तो कोफ्ते एकदम पिघल जाएंगे।
तो गाइस कोफ्ते बहुत अच्छे बने थे। आप चाहें तो इसके ऊपर से पनीर ग्रेट कर सकते हैं, हरा धनिया स्प्रिंकल कर सकते हैं, और मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी सी मलाई, बट आज मलाई का मैंने घी बना दिया इसलिए मैंने नहीं डाला था। बाकी बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है, उसके बाद जिग्गी कर रही है मस्ती थोड़ी देर, उसने कहा कि फिर से पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे मैं उसको पढ़ाई करने दे रही हूँ। और आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हम लोग जा रहे हैं सोने, आप लोग भी आराम करिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।